सड़क के बीचों बीच बना नलकूप हादसों को न्योता दे रहा है। जी हाँ, चाहे तो आप इसे सरकारी योजनाओं की खामी कह सकते हैं या फिर अधिकारियों की लापरवाही, लेकिन ऐसा नजारा आपको केवल फरीदाबाद में ही देखने को मिल सकता है। जी हाँ, देखिए हमारे संवाददाता धीरज कौशिक की खास रिपोर्ट। ग्रेटर फरीदाबाद में मौजूद हूँ, आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का विकास किया जा रहा है। आनन फानन में आप देखेंगे कि ये रास्ता है जहाँ से लोग डाइवर्ट होके निकलते हैं, या आप ये गड्ढा मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा किस तरह का गड्ढा है, ये कितना गहरा गड्ढा है। अगर इसमें कोई गिर जाए तो किस तरह की दुर्घटना हो सकती है इसका अंदाज़ आप लगा सकते हैं, किसी की मौत से भी यहाँ पे बन सकती है। ये देखिए, बीच रास्ते के अंदर ट्यूबवेल लगा हुआ है और प्रशासन ने सड़क बना के रख दी है, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए विकास कार्य फरीदाबाद के अंदर हो रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से अंधेरे में, क्योंकि लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पे मौजूद नहीं है, अंधेरे में अगर कोई बाइक सवार या फिर कोई गाड़ी सवार यहाँ से निकलता है तो कितनी बड़ी दुर्घटना को चुनौती मिल रही है, कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है इसका अंदाज़ा आप लगा पाएंगे। प्रशासन है वो किस तरह से काम कर रहा है, किन अमलों को इस्तेमाल कर रहा है, इसका अंदाज़ा लगाना शायद बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस तरह के रोडों को तैयार करना फरीदाबाद वासियों के लिए, गाड़ी चालकों के लिए कितना मुसीबत का घर हो सकता है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। न्यूज़ NCR के लिए धीरज कौशिक की रिपोर्ट।